हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ अपने इमोर्टल किंगडम के अंदर और आपको बताया कि मैं जो माइनक्राफ्ट खेलती हूँ वो अपने मोबाइल के अंदर खेलती हूँ, पर मुझे भी पीसी में खेलना था यार। मेरा भी मन था कि मैं भी पीसी में खेलूँ, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक पीसी ऑर्डर कर लिया। हाँ, अपना मिनी पीसी जो कि कीबोर्ड माउस और बहुत सारी चीज़ों से मिलकर हुआ है, पर यूज़ उसमें उसका मोबाइल का ही होता है। तो अगर आपको जानना है कि ये मैंने कैसे किया, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। तो पहले कीबोर्ड और माउस वाले सेक्शन पे जाके मैंने सारी सारी कीज़ रेडी कर ली हैं, आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, यूज़ आइटम आप तरीके से रखना, मेरा यूज़ मत करना। मैं कभी जी कर लेती हूँ, कभी एफ कर लेती हूँ, वो तो मेरी मर्ज़ी है, जैसा मुझे सुटेबल लगता है। आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। वैसे ये जो बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं, वो वाली कीज़ थी जो मैंने रखी हैं, कुछ और कुछ मेरी खुद की हैं जो कि ठीक लगती हैं, तो आप भी इन्हें रख सकते हैं। अगर आप भी कीबोर्ड माउस खरीदने वाले हैं या खरीद चुके हैं तो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने बहुत देर प्रैक्टिस करने के बाद मैं थोड़ा बहुत खेलने लग गई हूँ और मेरा आर्मा वर्मा देखो कितना बढ़िया लग रहा है। मैंने एनचार्ट करा हुआ है, तो मैं पहले सबसे पहले खाना ही खा लेते हैं। तो ठीक है, अब हम चलते हैं और आपको दिखाती हूँ अपने कीबोर्ड और माउस। तो कीबोर्ड और माउस खरीदने के लिए सबसे पहला टारगेट जो था मेरा, वो था दुकान पर जाना। सुबह सुबह मैं चली गई अपने मार्केट में, लोकल मार्केट में, आपके लिए कीबोर्ड और माउस और बाकी एसेंशियल चीज़ें खरीदने के लिए। हाँ, वो बात अलग है कि मुझे कीबोर्ड माउस से खेलना था, पर मुझे आपको भी दिखाना था, तो मैं चली गई मार्केट में। और हम हो चुके थे बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, पर शॉप का मुझे मालूम नहीं था कि कितने टाइम तक पहुँचता है, तो मैं इसलिए जल्दी पहुँच जाती हूँ। मैं गई थी अपने भाई के साथ। तो मार्केट में आने के बाद मैंने यहाँ से मतलब सामान खरीदा, मुझे टोटल कॉस्ट पड़ी 600 रुपीज़। तो ये रहा वो सारा सामान। सबसे पहले चाबी अलग हटाती है स्कूटी की। ये हमारा माउस है जो कि 150 का हमें लगभग पड़ चुका है। ये हमारी केबल है, ये मुझे 200 के आसपास पड़ी थी, मुझे अब परफेक्टली याद नहीं है। ये है हमारा कीबोर्ड, ये भी हमें 200 के आसपास पड़ा था। और अभी मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देती हूँ। तो एक हाथ से कर रही हूँ, तो थोड़ा सा डर था कि डैमेज ना हो जाए उसे, और इसने बहुत तेज़ आवाज़ करी गिरते वक्त में, पर मैंने आवाज़ दिली करी छोड़ो जरा। तो ये मेरा ड्राइंग के लिए, ड्राइंग का वो था, तो मैंने वो बनाया ये अपने फ़ोन पे रखने के लिए। ये केबल है, इसमें हमें OTG लगानी होती है, कुछ इस तरीके की आएगी, आपको लोकल मार्केट में 50 रुपीज़ की मिल जाएगी। एक माउस होगा, जितने पैसों का आप खरीदना चाहते हैं, प्रो वाला खरीदिए या फिर जैसा आपकी मर्ज़ी हो वैसा आप खरीद सकते हैं। कीबोर्ड है, सिंपल ख़रीदा है मैंने, RGB वाला मुझे मिला नहीं, नहीं तो मैं ज़रूर खरीदती। मुझे मेरी लोकल मार्केट में कुछ ऐसा मिला है, तो इसको भी मैं लगा लेती हूँ। इसका थोड़ा सा सस्ता सा स्टैंड है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। ये सारे का सारे सामान मैंने एक ही शॉप पे से ख़रीद लिया, मुझे आसानी से अवेलेबल हो गया। तो इन सब सामान से और अपने मोबाइल से अब बनाएंगे हम एक प्यारा सा सेटअप। ओके गाइस, तो मैं हूँ माइनक्राफ्ट में जो कि मैं खेल रही हूँ अपने, हाँ, अपने कीबोर्ड और माउस से। तो ये चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मुझे कीज़ नहीं मालूम थी कैसे चलाते हैं। मैं कुछ भी दबा के चेक कर रही थी क्या क्या होता है। उसके बाद मैंने इसको परफेक्टली कर लिया कि अभी मैं स्पॉन हुई रैंडमली में, कि स्क्रोल बार कहाँ से स्क्रोल होता है, किस बटन से क्या होता है, कैसा क्या क्या करता है। अगर आपको ये जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बता दूँगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी होने वाली है, पर फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। और हाँ, ये पीसी, मिनी पीसी सेटअप जो मैंने कंप्लीट किया, ये मैंने अपनी पॉकेट मनी से किया है, तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। मुझे आज तक माइनक्राफ्ट में उड़ने में इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया, पर जब अपने कीबोर्ड और माउस से उड़ते हुए देख रही थी, चलते हुए देख रही थी, तो अलग सी फीलिंग आई थी। मतलब आपको स्क्रीन पे भी लग रहा होगा कि हाँ, ये मोबाइल में नहीं खेल रही है, ये पीसी में ही खेल रही है। अगर ये भी मज़ा आपको चाहिए, तो आप ज़रूर से पीसी में की तरह किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन से या फिर अपने लोकल मार्केट से ख़रीद सकते हैं, बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, मज़े भी आते हैं। पर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हमारी जो फ़ोन की बैटरी होती है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी जाती है। मान लीजिए आपने 100% चार्ज कराया फोन, तो ज़्यादा ज़्यादा एक घंटे में आपकी पूरी बैटरी चली जाएगी। और जहाँ तक है, अगर हम नॉर्मली से इस्तेमाल करते हैं, तो हम गेम खेलते खेलते, वीडियो रिकॉर्ड करते करते चार्जिंग पे लगा सकते हैं इसे आराम से। पर जब आप इसके पीसी मतलब कीबोर्ड के साथ खेल रहे होते हो, तो आप चार्जिंग पे नहीं लगा सकते हो इसे। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और वॉइस के लिए सॉरी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था, इसी वजह से कुछ दिनों से वीडियो नहीं आई थी। पर मैं ट्राई करूँगी कि मैं कंटिन्यू कर सकूँ। और बाय द वे, फेस्टिवल आने वाला है, तो हैप्पी दिवाली आपको एडवांस में ही। जो जो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और जो जो नहीं करते, उनको भी हैप्पी दिवाली, और कोई नहीं। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको इसको सेटअप के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और उन्हें कैसे कैसे लगाना है। ओके, तो आपको ये OTG अपने इस कनेक्शन में लगाकर सबको कनेक्ट कर देना है, और फिर सेटिंग्स में जाके, एडिशनल सेटिंग्स में जाके OTG ऑप्शन ऑन कर देना है। अगर आपका मोबाइल Redmi Note 8 है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर आप उसे YouTube पर सर्च करके सॉल्व कर सकते हैं।
प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी थी क्योंकि मेरा भी मोबाइल रेडमी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और हाँ आज के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं माइनक्राफ्ट अपने इसी नॉर्मल छोटे से पीसी में खेलूँ या फिर मोबाइल में, कमेंट जरूर करना।